हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समय नापने की इकाइयों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अलग अलग कार्य करने में कितना समय लगता है इसके बारे में जानेंगे। आज शेर खान का जन्मदिन है, सभी लोग सुबह से उसकी जन्मदिन की तैयारी में लगे हैं। शेर खान की माँ ने उसके जन्म होने पर उसके बगीचे में एक पौधा लगाया था। अब उस पेड़ पर सुंदर फूल लगे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ उगने में कितना समय लगता है? सेकेंड, मिनट या साल? बिल्कुल ठीक, पेड़ उगने में काफी साल लग जाते हैं। शेर खान की माँ पार्टी के लिए तैयारी कर रही हैं। वो काफी व्यंजन बनाएंगी। अब वो सोच रही हैं कि मेहमानों के आने में केवल कुछ घंटे ही बचे हैं। क्या वो तब तक सारी तैयारियां कर पाएंगी? बच्चों, आपको क्या लगता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में कितना समय लगता है? महीने, घंटे या सेकंड? शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में कुछ घंटे लगते हैं। उन्होंने अपने रसोइये की मदद से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवा लिए। बच्चों, यहाँ शेर खान के जन्मदिन से संबंधित कुछ कार्य लिखे हैं। क्या आप इन कार्यों को उनकी समय की इकाइयों के साथ जोड़ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इनके उत्तर बिल्कुल सही ढूंढे हैं। पार्टी की सारी तैयारियां हो गई और सभी मेहमान पार्टी में आ गए। लेकिन ये क्या, गोलू को आने में इतनी देर क्यों लग गई? जब शेर खान ने उससे देर से आने का कारण पूछा, तब गोलू ने उसे बताया कि उसके घर के पास नया पुल बनने के कारण वो ट्रैफिक में फंस गया था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि एक पुल बांधने में कितना समय लगता है? बिल्कुल ठीक, पुल बांधने में महीनों लगते हैं। गोलू भी पार्टी में शामिल हो गया और सभी दोस्तों ने शेर खान का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा अलग अलग कार्य करने में कितना समय लगता है इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।